भगंदर में कहा है कि भग गुद बस्ती प्रदेश दारणश्च भगंदर इतुचिते अपक्वा पीड़िका पक्वस्तु भगंदर। यानी कि आपके जो अर्थ है वो तो एक ही जगह होता था ज्यादातर, ये गुदा, यहाँ पर थोड़ा सा डायमीटर बढ़ गया है, क्षेत्र बढ़ गया है, भग में गुद में और बस्ती प्रदेश में होने वाले पीड़िका होती है पहले, फिर वो फट जाती है, टूट जाती है, तो उसको फिर अपन क्या कहते हैं, भगंदर कहते हैं, है ना। वो पाइल्स था, ये फिस्टुला है। भगंदर में दूध से जो है रक्त और मांस होते हैं। कौन कौन से रोग में दूध से रक्त और मांस होते हैं? तो यहाँ पर एक अभी छूट गया जो अपन ने अभी पढ़ा था, लिंगार्स, लिंगार्स में भी यही दूध थे, रक्त और मांस। लिंगास तन रोग कामला में रक्त और मांस ही दूषित होते हैं। भेदों की बात करें तो मातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतु जैसे करके सुश्रुत ने पांच भेद बताए हैं। भागवत में आठ हैं, उनने तीन और एक्स्ट्रा माने हैं, परिक्षेपी, ऋजु और अर्षो भगंदर। PRA, परिक्षेपी, ऋजु और अर्षो भगंदर, ये PRA और बताया उनने। जो बातज भगंदर होता है उसको सत्पौनक कहते हैं, क्योंकि इसमें सत यानी छोटे छोटे छेद होते हैं बातज भगंदर में, तो 100 छेदों वाला है। बात तो 100 बातें करवा लो हमसे। पित्त जो है वो उष्ण होता है, तो उष्ण से मिलता जुलता है ऊंट, उष्ण से पित्त उष्ण होता है, तो उसी से याद करना है, ऊंट, ऊंट की ग्रीवा, उष्ण ग्रीव, तो पित्तज वाला को उष्ण ग्रीव कहते हैं, उष्ण ग्रीव कहते हैं, उष्ण है। कफ वाले में कफ का लक्षण होता है शरीर में से पानी निकालना, स्राव निकालना, परिस्रावी कफज होता है। और सन्निपातज कहते हैं जब बहुत सारी चीजें होती हैं, वात पित्तज का पर रखता है, तो शंभु का व्रत भी नदी के किनारे जाते हैं तो बहुत सारे शंभुक मिलते हैं, सिंगल संख्या में नहीं मिलता है, तो ये बहुत सारी चीजों का मिक्स होता है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें होती हैं, वैसे इसमें भी बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं नदी किनारे सम्मुख। तो सन्निपातज जो है सन्निपातज वाले को कहते हैं। आगुंतुच को आने के लिए, आगुंतुच को आने के लिए मार्ग चाहिए पड़ेगा, कहाँ से आया वो, तो उन आगुंतुच को उन्मार्गी कहते हैं, ऐसा याद रखना है, आगुंतुच को उन्मार्गी कहते हैं। जो सत्पौनक सुख दोष होता है वो बातज नहीं, वो बात सोने तज होता है, ये अंतर है दोनों में। नाम एक होने से गुण एक जैसे नहीं है, नाम होने एक जैसे होने से गुण एक नहीं है। सुख दोष वाला जो है, जो सत्पौनक होता है वो बात सोने तेज होता है। फिर ये क्रमशः द्वंदज हैं, PRA यानी परिक्षेपी बात पित्तज होता है, और उसके बाद में ऋजु भगंदर वात कफज होता है, और अर्षो भगंदर पित्त कफज होता है। इनको द्वंदज, क्रमशः द्वंदज ध्यान रखना है, PRA वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज होते हैं। स्थान क्या है? गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल के क्षेत्र में होते हैं ये। तो गुदा गुदबल्लियां तो 4.5 अंगुल, 4 अंगुल होती थी, ये 1 से 2 अंगुल के क्षेत्र में होते हैं। श्लोक में कहा है, पायो स्याद 2 अंगुल देशे गुड़ अंतरा। 2 अंगुल में होती है पीढ़ी का ज्यादातर, इसका 2 अंगुल देशे गुण मूला। तो अर्ष में जैसे अपन ने सहज अर्ष में पढ़ा था कि वो महामूल वाले होते हैं सहज अर्ष, वैसे ही यहाँ पर भगंदर की पीढ़ी कैसी होती है, गुण मूल वाली होती है ना। अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं, तो सत्पौनक जो है वो बातज है, तो अरुण बाण का होता है, और चलनी के समान सूक्ष्म छेद वाला होता है। तो सूक्ष्म छेद मतलब यहाँ तो जैसे 100 लिखा है, सत लिखा है, तो सत यानी 100 और पौनक यानी छेद, 100 छेदों वाला होता है ऐसा मैं याद करता हूँ, छोटे छोटे छेदों वाला होता है सत्पौनक। इसमें से अच्छ और फेनेल सराव होता है, फेन हमेशा वात के ही लक्षण होता है, तो फेनेल सराव होता है। उष्ण ग्रीव जो है रक्त वर्ण का होता है, क्योंकि पित्त दोष वाला है, ऊंट की ग्रीवा जैसा होता है, इसमें से उष्ण सराव निकलता है, कॉमन सेंस है। और परिश्रावी सराव लिखा है शब्द, जो कफज है श्वेत वर्ण का होता है, स्थिर एवं कंडुवत पीड़िका इसमें होती है, कंडु कफ का लक्षण है, और निरंतर पिच्छल स्राव निकलता है, तो पिच्छल स्राव निकलना कफ का लक्षण है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। शंभु का वर्त जो है पूर्ण नदी के समान पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका इसमें होती है,
तो ये संख और संभुग हम ढूंढने जाते हैं। संख संभुग तो कहाँ मिलते हैं, पूरी नदी किनारे चले जाओ, नदी में आपको रेत में चलो तो रेत में चलोगे तो कहीं जाके आपके पाँव की उंगली के नीचे में संभुग आ जाएगा। तो उसी से याद करना है कि संभुग जो है वो पूर्ण नदी के समान होता है, पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका उसमें होती है, और चूंकि सन्निपात है इसलिए उसमें नाना विध का नाना प्रकार का स्राव होता है। ठीक है, जो आगंतुक तो जो होता है वो उसके लिए मार्ग चाहिए तो उसको उन्मार्ग भी कहते हैं, उसको क्षितिज भगंदर भी कहते हैं। तो कौन सा भगंदर? क्षितिज भगंदर कहलाता है आगंतुक। बुध छिणोती तद छत निमत्तज कोथ उपजायते। छत होता है, इसमें ट्रॉमा होता है, चोट लगती है और गैंग्रीन तक उत्पन्न हो जाता है, यानी क्षितिज भगंदर जो है वो थोड़ा डेंजरस होता है, गैंग्रीन तक उत्पन्न हो जाता है, कोथ होता है इसमें, कृमियुक्त पीड़िका होती है। तो उन्मार्गी में जो आने वाला है वो कौन आने वाला है? कृमि आने वाले हैं, मतलब कृमि भगंदर है, उन्मार्गी भगंदर। ठीक है, तो कृमि कौन से भगंदर में हम देखने को मिलते हैं? कीड़े पड़े तुमको, वो कृमियुक्त जो है कौन सा होता है? आगंतुक भगंदर। फिर एक लाइन है जो सभी में लिखी आती है, आ प्रतिक्रियाम च पाकम उपेति, यानी कि अगर कोई क्रिया नहीं कर जाए की जाए तो पाक उत्पन्न हो जाता है। किस किस में आती है लाइन? सत्पौनक में आती, उष्णग्रीव में आती, परिश्रावी में आती, सम्भुगावर्त में आती। किस में नहीं आती है? तो ये उन्मार्गी में आती है, इसमें पाक नहीं होता, इसमें तो सीधा कोथ हो रहा है, गैंग्रीन बन रहा है। ये पाकम उपेति पहले चार में आता है, आगंतुक में नहीं आता, आगंतुक में तो सीधा कोथ हो रहा है, कोथ का यानी गैंग्रीन को कहते हैं। इसके अलावा शंभुगर्त को छोड़कर छेद भगंदर की उपेक्षा करने पर बात मूत्र माल और वीर का स्राव होता है उनमें से। साध्यता, साध्यता में कहा है कि प्राय सभी प्रकार के भगंदर कच्छ साध्य होते हैं, लेकिन जो दोसज एवं क्षितिज भगंदर जो है वो असाध्य होता है। क्षितिज भगंदर में कृमि हो रहे हैं इतने सारे, तो ये दो जो है असाध्य होते हैं, तो दोसज और क्षितिज भगंदर। पूर्व रूप में काय भगंदर के याना याना मलोत्सर्गात कंडू रुगदास सोपमान पायु भवेद रुजा कटिया। रुजा कटिया ये कटी प्रदेश में कमर में दर्द होना, ये किसका पूर्व रूप है? ये एग्जाम में बहुत आता है, रुज कटिया यानी कमर में दर्द होना, ये भगंदर का पूर्व रूप है। गुदा में तो ठीक है, सवारी करने और मल निकाल लेते समय गुदा में कंडू रुजा दास सूजन होगी, कंडू रुगदा सोपवान, लेकिन भवेद कटिया रुजा यानी कमर दर्द होना, ये भगंदर का क्या है? पूर्व रूप है, ये एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आओ चिकित्सा में, तो अपन ने कहा था कि दो असाध्य होते हैं, एक तो शंभुकावर्त असाध्य होता है, दूसरा क्षितिज भगंदर जो है वो असाध्य होता है, शेष सभी जो है वो साध्य होते हैं। तो इनमें कौन सी चिकित्सा की जाती है? तो सत्पौनक में छेदन किया जाता है, छेदन का मतलब होता है काट के अलग कर देना, छेदन करते हैं अपन। और जो अष्टविध शास्त्र हम पढ़े थे उसमें भी सत्पौनक अपन ने लिखा था, तो इसमें लांग लक लक आता है, इसमें अर्ध लांग लक और सर्वतो भद्रक और गौ तीर्थक लिखा आता है। तो ऐसा याद करना है कि लकी व्यक्ति वो है, लक लक यानी लकी व्यक्ति वो है जो सर्व जो 100 बार जो है सभी के सभी जो है तीर्थ करके आ जाए, जो है वो लकी है। तो लक लक अर्ध लांग लक सर्वतो भद्रक गौर तीर्थक, इस टाइप का छेदन सत्पौनक में किया जाता है, 100 बार पूरे तीर्थ करके आ जाए वो लकी है, एक बार तो कोई भी कर लेता है। इसके अलावा सत्पौनक में अग्निकर्म भी किया जाता है, अग्निकर्म सत्पौनक में अग्निकर्म भी है, छेदन में भी अग्निकर्म भी है। फिर आते हैं आपके उष्ण ग्रीव में, इसमें जो है छेदन कर्म करते हैं और क्षार कर्म करते हैं, छेदन भी होता है क्षार कर्म भी होता है, अग्निकर्म का निषेध होता है। तो कौन से भगंदर में अग्निकर्म का निषेध होता है? क्योंकि पित्तज है इसलिए इसमें पित्तज में अग्निकर्म का निषेध है, पित्त वैसे ही अग्नि स्वरूप का होता है। परिश्रावी में आए तो इसमें भी छेदन करते हैं, अर्धचंद्राकार चंद्राकार सूचीमुख अवांगमुख खजूर पत्र समान छेदन करते हैं। परिश्रावी में स्राव आता है, स्राव कैसे निकलता है भैया? मुंह से। तो इसमें सूचीमुख अवांगमुख, ठीक है, फिर कैसा? मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, किसी किसी का मुंह जो है चांद के समान दिखाई देता है, किसी किसी का मुंह एक तरफ से देखो तो चांद के जैसा दिखाई देता है, दूसरी तरफ से पता नहीं चलता। तो
चंद्राकार अंध चरण है। और किसी किसी का मुंह खजूर जैसा भी होता है भाई, खजूर बुढ़ापे में तो मुंह खजूर जैसा सिकुड़ जाता है। तो ये मुंह से याद करना है, परिसरावी में अवांग मुख सूची मुख चंद्राकार अर्ध चंद्राकार और खजूर के समान जो है छेदन कर्म किया जाता है। तो सत्पौनक में लक लक जो लकी है, अर्धलांग लक लांग लक सर्वतोभद्र तक गौर तीर तक छेदन होता है, और परिसरावी में चंद्राकार अर्ध चंद्राकार सूची मुख अवांग मुख और खजूर के समान छेदन कर्म होता है। इसके अलावा क्षार और अग्नि कर्म भी किया जाता है। तीन कर्म हो गए मतलब परिसरावी में, छेदन क्षार और अग्नि। तीसरे नंबर पे आया तीन कर्म करवाया गया इस नंबर थ्री, तीन नंबर पे आया और तीन कर्म इसने डिमांड करे, ये भी करवाया ये भी करवाया ये भी करवाया। जो दो सच की तो चिकित्सा ही नहीं करना है, वो तो असाध्य है। और उन्मार्गी में अग्निकर्म करना और कृमि होते हैं तो कृमि नाशक चिकित्सा उन्मार्गी में की जाती है, क्योंकि कृमि युक्त होते हैं वो, तो उन्मार्गी में कृमि युक्त होने से कृमि नाशक चिकित्सा की जाती है। औषधि प्रयोगों में अणु तेल बताया है, सस्त कर्म जन्य वेदना की शांति के लिए अणु तेल लिखा है सुश्रुत में, संयनन तेल बताया है भ्रंश भगंदर में, यानी जिसमें प्रोलेप्स हो भगंदर में उसमें संयनन तेल बताया है, संयनन तेल को ही विसयनन नाम दिया है भाव विकास में, विसयनन तेल करके बताया है। बालक के भगंदर में विरेचन सस्त कर्म क्षार कर्म अग्नि कर्म निषिद्ध हैं, छोटे बालकों में अपन सस्त कर्म क्षार कर्म अग्नि कर्म नहीं करते हैं। न्युगादि गण के द्रवों के कल्क से सिद्ध घृत एवं तेल का यूज करना भगंदर नाशक होता है। तो ये उदावर्त हर होता था, न्युगादि गण उदावर्त बिड़भेदी होता था, उदावर्त हर होता था, तो वो भगंदर में काम में आता है। भगंदर के व्रण रोपण के पश्चात रोगी को व्यायाम मैथुन क्रोध प्रष्टायन और गुरु भोजन, तो ये कुछ चीजें तो वहां अर्श में भी कॉमन थी, लेकिन ये प्रष्टायन और गुरु भोजन ध्यान रखना, ये एक साल तक ये सब चीजें मना होती हैं, है ना, एक साल तक मना होती है सभी चीजें। सुश्रुत चिकित्सा में जब चिकित्सा बताते हैं तो दो टाइप में बांट देते हैं भगंदर को, एक न्यू और ओल्ड को उनने जो है नाम दिए हैं, जो बहिर्मुख मुख मुख होता है उसको प्राचीन नाम दिया है, और जो अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है उसको अर्वाचीन नाम दिया है, अंदर अंता अर्वाचीन और बहिर्मुख प्राचीन। चिकित्सीय योगों में आए तो त्रिफला गुगलू, त्रिफला तो विरेचक होता ही है, सप्तविंशति गुगलू जो है योग रत्न करने बताए हैं, और एक नव कार्षिक गुगलू होता है वो स्पेशली भगंदर में चक्रपाणि ने बताया, ये भी एग्जाम में आता रहता है। ठीक,